बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फैज़ वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पे टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जनरल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फयाज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फैज़ वहीद। लास्ट वीडियो में हमने गिट से रिलेटेड ये देखा था कि हम अकाउंट किस तरीके से गिटहब पे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमने लास्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर लिया था गिटहब पे, और आज की वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं कि हमने यूजर नेम, ईमेल वगैरह को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना होता है गिट में, ताकि गिटहब को ये पता चल सके कि ये कौन सा यूजर है और इसका ईमेल वगैरह क्या है, किस तरीके से कनेक्टिविटी होगी और किस तरीके से नेक्स्ट आप अपना जो सोर्स है, फाइल्स हैं या डाटा है, किस तरीके से आप गिटहब पे पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे गिट ट्यूटोरियल के नाम से। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन गिट बैश हियर। तो हमने यहाँ पे गिट बैश को ओपन कर लेना है। जैसे ही गिट बैश को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा गिट का, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास गिट बैश का टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पाथ है वो कंप्लीट पाथ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिस फोल्डर में मैं मौजूद हूँ। तो आप किसी भी फोल्डर में, किसी भी लोकेशन में मौजूद है, वहां पे राइट क्लिक करके आपने गिट बैश को ओपन करना है तो आपके पास डायरेक्टली उसी फोल्डर में गिट बैश ओपन हो जाएगा और आप वहां से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किस तरीके से अपना यूजर नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर करना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे कमांड राइट करेंगे गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा फयाज, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं एंटर। ठीक है, ये मैंने अपने अकाउंट के लिए नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन मैं राइट करता हूँ कमांड गिट config माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, सॉरी यहां पे हम राइट करेंगे ईमेल, और ईमेल मेरे पास यहां पे है जी वहीद फयाज 81@gmail.com। जो भी आप ईमेल यूज कर रहे हैं वो ईमेल आपने यहां पे कॉन्फ़िगर करना होता है, इसको हम यहां पे कर देंगे एंटर। अब ये यूजर नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ इसको हम यहां पे चेक करते हैं। उसके लिए अगेन मैं यहां पे राइट करता हूं गिट, और यहां पे नेम को मैं यहां से रिमूव करके एंटर करता हूं तो हमारे पास वो बता देगा गिट बैश कि आपने ये वाला नेम कॉन्फ़िगर किया है। इसी तरीके से अगेन गिट और एरो कीज के साथ मैं यहां पे ईमेल चेक कर लेता हूं, इसको रिमूव करके एंटर करते हैं तो हमारे पास ये ईमेल उसने दे दिया है। तो ये यूजर नेम और ईमेल आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आप जो भी सोर्स है, कोई भी फाइल है, कोई भी डाटा है, उसको आपने गिटहब पे किस तरीके से पुश करना है, पुल करना है, ये सारी की सारी चीजें इसी के साथ कनेक्ट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास फोल्डर है, और आपको आइडिया होगा कि अगर तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देखें तो आपको यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी का एक ऑप्शन नजर आता है। तो ये बेसिकली एक आपके पास एक जगह, एक स्पेस, एक एरिया बन जाता है जहां पे आप अपना सोर्स फाइल वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो आप किसी भी नेम से रिपोजिटरी वगैरह यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पे एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। और अगर गिट बैश की अगर बात की जाए, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे राइट करता हूं कोड डॉट। इससे क्या होगा, जिस फोल्डर में मैं मौजूद हूं उसी फोल्डर में वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अगर इसको हम कोड डॉट लिखने के बाद एंटर पे क्लिक करते हैं तो भी वीएस कोड हमारे पास ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर में जिसमें हम मौजूद हैं।
ये हमारे पास यहाँ पे वी एस कोड ओपन हो गया है और हमारे पास ये बेसिकली कमांड होती है कोड डॉट के नाम से। आप सी एम डी टर्मिनल में राइट कर लें या इस टर्मिनल में राइट कर लें तो आपके पास इस तरीके से वी एस कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से वी एस कोड ओपन हो गया। अगर सपोज हम कोई एम्प्टी रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमने गिट को इनिशियलाइज करना होगा। तो इसी फोल्डर में देखिये, मैं इसी फोल्डर में मौजूद हूँ, डेस्कटॉप पे गिट ट्यूटोरियल के नाम से फोल्डर है, उसी फोल्डर में मैं सारी की सारी वर्किंग कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइट करूंगा गिट इनिट, यानी कि कमांड राइट करते हैं और इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, ये जो हमारे पास फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास ls-lart। तो जैसे हम यहाँ पे कमांड राइट करते हैं ls-lart, तो हमारे पास जितने भी हिडन फोल्डर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो बेसिकली डॉट गिट के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने रिपोजिटरी को क्रिएट किया है। तो इस फोल्डर के अंदर बेसिकली काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जो जो भी आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं गिट को लेके, गिट हब को लेके। तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, जब नेक्स्ट हम इसको यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें, उसने कहा टोटल 20, यानी कि ये हिडन फाइल फोल्डर वगैरह मौजूद है यहाँ पे, जो कि आपको उसने यहाँ पे बताया कि इतने टोटल यहाँ पे फोल्डर मौजूद है। तो बहरहाल इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये फिलहाल आपको जस्ट ये बताने का मकसद था कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप कौन से फोल्डर में मौजूद हैं और उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर मौजूद हैं। अभी टाइम के साथ साथ जब हम यहाँ पे फाइल्स फोल्डर क्रिएट करेंगे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। वी एस कोड मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है और ये फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फाइल का हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सपोज मैं राइट कर लेता हूँ first.html के नाम से एक फाइल, इस तरीके से हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही फाइल क्रिएट करेंगे अब इस फोल्डर के अंदर ये फाइल भी आ चुकी है। अगर अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ गिट स्टेटस और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक नई चीज देखेंगे। यहाँ पे उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसने कहा ऑन ब्रांच मास्टर, कि इस टाइम आप जो मास्टर ब्रांच है उस ब्रांच में मौजूद हैं। नो कॉमिट्स येट, अभी तक आपने कोई भी कॉमिट वगैरह नहीं किया। अब ब्रांच क्या होती है, मास्टर ब्रांच क्या है, कॉमिट क्या है, इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसने कहा अनट्रैक्ड फाइल्स यूज गिट एड फाइल्स टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड first.html। वो कह रहे थे आपके इस फोल्डर में जो first.html है ये अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड से क्या मुराद है या कमिट से क्या मुराद है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं हमारे पास यहाँ पे, और हमें वो कह रहे हैं जी आप ये वाली कमांड यूज करें गिट एड और फाइल का नेम राइट करके एंटर करें, तो आपकी ये वाली जो फाइल है ये एड हो जाएगी गिट में, ठीक है, यानी कि गिट हब में ये फाइल एड होना शुरू हो जाएगी। किस तरीके से होगी उसको हम देखेंगे। उसके बाद उसने लिखा Nothing added to commit but untracked files present, use git add to track। वो कह रहे थे अभी तक आपने commit कोई नहीं किया लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ untracked files मौजूद हैं, जिसमें से एक first.html। मैं एक काम करता हूँ, एक और मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसी फोल्डर में न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, second.html पे क्लिक करते हैं और अगेन मैं यहाँ पे git bash में जाऊंगा और यहाँ पे अगेन मैं राइट करता हूँ git status और इसको हम एंटर करते हैं। अब आप लोग देखें जो सेकंड फाइल मैंने क्रिएट की है वो फाइल भी यहां पे आ चुकी है और दोनों फाइल रेड कलर में। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फाइल अभी तक अनट्रैक्ड हैं, यानी कि आपने अभी तक इनको सबमिट नहीं किया दूसरे फाइल में। अब ये कह सकते हैं यानी कि आपने गिटहब पे इनको कमिट नहीं किया। तो ये जो डिफरेंट टर्म्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ब्रांच से क्या मुराद है, कमिट से क्या मुराद है, अनट्रैक्ड से क्या मुराद है, इंशाल्लाह इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।